हाय दोस्तों, इंडिया दर्शन विद तनवीर अख्तर में आपका स्वागत है। और मैं अभी फ़िलहाल खड़ा हूँ हैदराबाद में। हैदराबाद का चौ महल मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, हैदराबाद का फेमस चौ महल है, जहाँ पर आप आ सकते हैं घूमने। और मैंने आपको मेरे वीडियो में पूरा महल कवर करके बताया, जहाँ तक मुझे कैमरा अलाउड था, मतलब फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड थी, मैंने आपको दिखाई है। तो आप मेरे इस वीडियो में ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का मैंने आपको बताया कि टिकट इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ है, फॉरेनर्स के लिए 200 है, और बच्चे बिलो 12 ईयर्स उनका 10 रुपीज़ है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं घूमने। काफ़ी अच्छा यहाँ के नवाब ने मेंटेन किया हुआ है, निज़ाम जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने ही ये बनाया था, और काफ़ी अच्छे से खूबसूरती से इसको मतलब बनाया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने, यहाँ की जो हैदराबाद गवर्नमेंट ने, इसे मेंटेन भी अच्छे से किया हुआ है। तो मैं अभी फ़िलहाल अंदर जा रहा हूँ, पर मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अभी हम वीडियो में ले लेंगे, मोबाइल में लेंगे, अभी यहाँ मोबाइल में ले लेंगे। आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, और इस टाइप के ड्रेस पहन के इधर अंदर जाके फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं। देखिए फॉरेनर किस तरीके से अपने ड्रेस पहन के फोटोग्राफी कर रहे हैं, नवाब बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, और नवाब लुक में फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर अंदर कुछ हेरिटेज शॉप है, मतलब पुरानी चीज़ों का एक कलेक्शन है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यहाँ से आप अंदर से शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली ये रहा चौ महल, काफ़ी शानदार लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत है इसका वो गेट, और ये पुरानी तोप भी रखी हुई है यहाँ पर। इधर टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, देखिए। ये जो पर्दे लगे हुए हैं, ये जो इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये इसलिए लगाए गए कि अंदर ठंडा रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। ये पैलेस के अंदर का सीन है, और पैलेस को काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है। काफ़ी अच्छे से इसे मेंटेन किया हुआ है, और ये यहाँ पर निज़ाम बैठा करते थे। मैंने आपको अभी पूरा एरिया कवर करके दिखाया है। पैलेस के अंदर भी मैंने जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक आपको दिखा दिया है। एक्चुअली क्या है कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, उसके भी बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, आपको कैमरा के लिए भी पासेस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अंदर का आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब अंदर गैलरीज हैं, और उन लोगों के जो किचन के बर्तन हैं, उन लोगों का सोफ़ास और फर्नीचर्स, और उनके पहने की पोशाक्स, उन लोगों के फ़ोटोग्राफ्स, और उन लोगों के वेपन्स, उसके अलावा उनके ड्रेसेस, और उनके जो आर्मी होती थी उसकी ड्रेसेस, और उनकी गन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप अंदर बहुत कुछ देख सकते हैं। तो अगर आप आते हैं तो अंदर सब कुछ देख सकते हैं। आपको अंदर आने के लिए पहले फ़ोटोग्राफी का टिकट भी लेना पड़ेगा, तो आप फोटोग्राफी करके आपकी खुद की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको ये वाला पैलेस दिखाया है। अब इसके अलावा इसके बैक साइड में ये वाला भी कुछ है, पैलेस का कुछ हिस्सा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अपन चलते हैं वहाँ पर। पैलेस के बैक साइड में, बैक साइड से आप पैलेस को इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए पूरा पैलेस कवर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैक साइड से पैलेस ऐसा दिखता है, और उसके पीछे ये पूरा लॉन गार्डन बना हुआ है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं।
हाँ देखिए, और इसके बैक साइड में यहाँ पर भी कुछ पैलेस है जहाँ मैं अभी आपको अंदर ले जाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर। वाह, मतलब अभी बहुत बड़ा बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी पैलेस के अंदर, तो अभी अंदर चल रहे हैं, चलिए देखते हैं अंदर क्या है। अभी तो अंदर बहुत कुछ बाकी है यार, देखिए कितना शानदार है यार, कितना खूबसूरत इसको मेंटेन किया हुआ है। कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं, और ये इसके सामने गार्डन बना हुआ है। ये जब ये वाले जो फाउंटेन, मतलब ये जो झरने हैं, इनको जब चालू कर दिया जाता है तब कितने खूबसूरत लगते होंगे यार। अभी मैं दिन में आया हूँ इसमें, रात में अलाउड नहीं है, बट कभी रात में आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा यार। और ये देखिए, यहाँ पर फॉरेनर्स भी आते हैं बहुत दूर दूर से। देखिए इधर शायद ब्रिटिश हैं और इधर अफ्रीकन, अलग अलग कंट्री से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि ये हेरिटेज चीज़ें हैं, हेरिटेज को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो बिल्कुल आप भी यहाँ पर आइए और घूमिए। तो दोस्तों, मैंने आपको चौमहल पैलेस घुमा दिया है, हैदराबाद का काफ़ी फेमस पैलेस है ये, और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं चारों तरफ कि कितना बड़ा है और कैसा क्या पैलेस है। और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखाई है वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं और अपने कैमरे में क्लिक करके ले जा सकते हैं। तो अगर आप हैदराबाद आते हैं तो चौमहल पैलेस घूमना ना भूलें। और प्लीज़, जिन लोगों ने अभी तक मेरा जो इंडिया दर्शन विद तनवीर अख्तर जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।